बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज हम लेटर लिखना सीखेंगे वाओ, काफ और फे। हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों की शेप ऊपर से सेम होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आपको बता दूं कि हम इन तीनों को कैसे लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वाओ से। ठीक है, इसके लिए हम पहले बाउंड्री बना लेंगे कि कहाँ पर हमारा जो वाव के ऊपर जो अंदर उसकी जो शेप यूं करके बनती है वो होती है आई शेप। ठीक है, ये देखें इस तरह से हम एक और ये दो नकात यहाँ पे आ गए। ठीक है, और इसी तरह से दो नकात, एक और दो नकात ये आ गए। इसी के अंदर हमने वाव की जो ऊपर वाली शेप होती है उसको पूरा करना होता है। ठीक है, ये देखें इस तरह से, इतने में मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें लिखे, ये देखें, ये देखें इस तरह से हमने लिखा। अब यहीं से हम इसको कनेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ यूं, ये देखें, ये इसको जो इसके अंदर ये जो बना है ना, इसको हम आई शेप कहते हैं, और ये वाव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये देखा अब आपने, ये हमारी शेप बन गई वाव की। ठीक है, अब हम इसको नीचे से जो इसकी शेप होती है वो आप बेशक दाल की कर लें या रे की कर लें, जो हम लिखते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से हो, यहीं से हम कलम को यूं करके लेकर आएंगे। ये देखें इस तरह से हो, ठीक हो गया, इस तरह से वाव की शेप बनेगी। मैं अब आपको नकात के बगैर लिख के दिखाती हूँ। एक इसका ये मेथड है, एक मेथड यूं है, आप पहले इसके ऊपर यूं कर सकते हैं, ठीक हो गया, उसके बाद आप इसको नीचे से यूं करके आई शेप बनाएंगे। ठीक है, ये सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये वाव हो गया। ये रे को हमने जब इसके नीचे से कनेक्ट किया, और ये जब हम दाल वाली शेप इसके लेकर आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर नकात कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 6 नकात होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 5 है, और ये किधर 6 हो गया। ठीक है, ये 6 नकात की इसकी टोटल लेंथ होती है। और ये देखें, ये भी शेप इसी तरह से बनी है इसकी, ये दो नकात, एक और ये दो, और यहाँ पे भी एक और ये दो। ये देखिए, इसने रहना इस बाउंड्री के अंदर ही है। ये देखिए इस तरह से ये शेप बन गई इसकी। ठीक है, अब हम इसी से आगे इसका बना लेते हैं, कॉफ कैसे बनाना है और फे कैसे बनाना है। ठीक है, शेप यही रहेगी। ठहरे, अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ, लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से हमने इसको लिखा। ये देखिए, अब फे बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे बा का हमने लेटर लिखा उसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए ये हमारा बन गया फा। ठीक है, ठीक हो गया, ये लिखा गया हमारा फा, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, इसी तरीके से अब हम लिख देते हैं लेटर काफ कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम वो लिखते हैं। ये देखें, हमने इसी तरीके से करना है, यूं आई शेप बनाएंगे इसकी। ये देखें, ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसको भी इसी तरीके से जैसे नून लिखते हैं उसका जो होता है, ये देखें इस तरह से, ऐसे हम इसको ले देंगे ऊपर। ठीक हो गया, अब इसके अंदर कितने नकात होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर होते हैं 5 नकात, ये होता है ऑलमोस्ट 5 नकात का, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और नीचे थोड़ी सी स्पेस होती है खाली, इस तरह से,
ये हाफ नकात के हिसाब से इसकी स्पेस होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये दो नकात होते हैं इसकी, मतलब यूं करके डिस्टेंस होता है इसका, ठीक है। ये हमारा बन गया काफ, ये देखिए शेप वही रहेगी जो हमने वाव की सीखी। उसको हम फे में नीचे बा के साथ और इसके साथ हमने नून को जैसे करते हैं लिखते हैं उसको साथ मिला दिया, ठीक हो गया। ये हमने आज सीखे 3 लेटर, वाव, फे और काफ।